एवरीवन, स्वागत है आपका नई और धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ट्रू कॉलर ऐप में अगर आपके फ़ोन पे मतलब कॉल आता है या आप कॉल लगाते हो तो कॉलर आईडी अगर कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, तो कैसे इसको फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं, मतलब पूरा फुल स्क्रीन कुछ इस तरह का जो है दिखेगा, चाहे कॉल आएगा चाहे जाएगा कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर आप ट्रू कॉलर ऐप को ओपन करेंगे एंड अगर आपने इसमें अकाउंट नहीं बना रखा तो अकाउंट आप बना लीजिएगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करके अलाउ करके यहाँ पे सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। बहुत से लोग कर लिए होंगे तो सबसे पहले हम इसको लॉगिन करके आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ पे जो आपको थ्री डॉट का ऑप्शन कॉर्नर में आपको दिखेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा, ठीक है। तो सेटिंग वाले बटन पे वो क्लिक करना है एंड सेटिंग वाले बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कॉलर आईडी, तो कॉलर आईडी यहाँ पर दिख पा रहा कुछ इस तरह का दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये जो जितनी भी सेटिंग्स हैं तो यहाँ पे चौथे नंबर पर कॉलर आईडी आपको शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिख पा रहा कॉलर आईडी लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं एंड देन गाइस क्लिक करने के बाद अब यहीं पे मेन सेटिंग आपका ओपन हो जाता है जो कि कॉलर आईडी का फुल स्क्रीन वाला आपको मतलब लगाना है पॉपअप वाला हटा करके। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे है क्लासिक पॉपअप, ठीक है, लिखा क्लासिक पॉपअप, इस पर इनेबल है तो जब भी कॉल आएगा तो मतलब आता है तो यहाँ पर पॉपअप की तरह ट्रू कॉलर का नाम जो है छपता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो फुल स्क्रीन पर दिखे तो यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तभी ये फुल स्क्रीन पर जो है दिखेगा, मतलब नाम भी सब छपेगा जो ट्रू कॉलर पर रहेगा एंड ये फुल स्क्रीन पर भी दिखेगा, जैसे कि लगेगा मतलब ट्रू कॉलर इंस्टॉल नहीं है, मतलब डायलर पैड है और वो नाम भी बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फुल स्क्रीन पर क्लिक करना है एंड सेट एट डिफॉल्ट पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे ट्रू कॉलर पे क्लिक करके यहाँ पे सेट एट डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है गाइस एंड गो डॉट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद ये आप देखोगे तो ये जो है अब वो सेव हो चुका है, ठीक है। अब जब भी हम कॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं कॉल करके आपको दिखा देता हूँ, सो गाइस देख पा रहे हो, अब यहाँ पर मैं दूसरे वाले फ़ोन से इस पर जो है कॉल करता हूँ तो यहाँ पर दोबारा कुछ इस तरह का दिख रहा है ना, पॉपअप वाला हट करके यहाँ पे फुल स्क्रीन पर मतलब शो कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो सेटिंग मैंने किया था ये मतलब ट्रू कॉलर से ही मैंने किया है, तो यहाँ पर देख पा रहे मैंने आपके सामने ही किया है और ये ट्रू मतलब जो पॉपअप आता है उससे बेटर लग रहा है सेटिंग मुझे, ठीक है। और गाइस ये जो है ट्रू कॉलर का ही सेटिंग है, ठीक है, जैसे मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया था। तो इस तरह से आप जो है ट्रू कॉलर पर फुल स्क्रीन पर जो है कॉलर आईडी लगा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो को अच्छा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।